शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी अपडेट ये है कि अब एक हफ्ते के भीतर भीतर 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति मिलेगी, यानी कि कोर्ट के फैसले से भर्ती का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसा कि जानकारी दी है, प्रदेश के विद्यालयों को योग्य शिक्षक मिलेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया के बीच में जिस तरीके से भर्ती निकली थी और उसके बाद परीक्षा हुई, फिर विवाद हुआ, कोर्ट तक मामला पहुंचा और फिर कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जो फैसला दिया वो बताता है कि सरकार का पक्ष और रणनीति ठीक थी। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के मुताबिक प्रदेश के विद्यालयों को अब ये 69,000 शिक्षक मिलने जा रहे हैं। जो पूरी प्रक्रिया है वो अब शुरू हो रही है। आज योगी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद में एक हफ्ते के अंदर 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति मिलने जा रही है, यानी कि एक हफ्ते के भीतर भीतर अगले 7 दिनों में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रदेश के विद्यालयों को अब ये शिक्षक मिल जाएंगे, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ के डबल बेंच ने ये आदेश दिया था कि कट ऑफ 60% और 65% ही रहेगा। और ऐसे में 3 महीने का वक्त है राज्य की सरकार के पास में कि 3 महीने के भीतर भीतर जमीनी स्तर पर इसे लागू करें और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। तो दरअसल साल 2018 में, दिसंबर महीने में साल 2018 में यह भर्ती निकली थी और उसके बाद में 2019 में परीक्षा हुई और फिर उसके बाद में इस पर कट ऑफ को लेकर के विवाद रहा और अब एक हफ्ते के भीतर भीतर कोर्ट के फैसले के बाद में नियुक्ति होने जा रही है। चंदमणि शुक्ला हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे। चंदमणि, 3 महीने का वक्त दिया था कोर्ट ने, सरकार ने और जल्दबाजी दिखाई एक हफ्ते में। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के अंदर ये भर्ती कराई जानी चाहिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ये विशेष नज़र है इस भर्ती पर और तमाम जगहों पर, तमाम बयानों पे वो कह चुके हैं कि जो ये 69,000 भर्ती है उसको, उस पर उनकी विशेष रुचि है और वो जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती कराना चाहते हैं। हम इसके पहले की भर्ती की बात करें, अगर 68,500 भर्ती की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वो शायद इतिहास में पहली बार थी कि इतनी जल्दी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो गई थी। तो ये उम्मीद की जा रही है और जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं और कल बेसिक शिक्षा मंत्री से भी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा था कि उनका रिजल्ट तैयार है, बस रिजल्ट जारी करने की देरी है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अभ्यर्थियों को 15 महीने का इंतजार झेलना पड़ा है और अब सरकार जल्दबाजी करके जल्दी में नियुक्तियां करा सकती है क्योंकि सिर्फ अब रिजल्ट ही जारी करना है। जाहिर तौर पर एक हफ्ते के भीतर ये प्रक्रिया पूरी हो रही है। मगर चंदमणि ये भी जानना चाहेंगे कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का डबल बेंच का फैसला आया, शिक्षक जिनके खिलाफ में ये फैसला आया संतुष्ट हैं या फिर इस फैसले के खिलाफ में वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे? जी जाहिर सी बात है, जो शिक्षा मित्र हैं उनके, जिनके खिलाफ ये फैसला आया है, वो जाहिर सी बात है वो संतुष्ट नहीं होंगे और वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखेंगे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में तमाम शिक्षक भर्तियां हुई वो डबल बेंच के ऑर्डर पर होती आई हैं और सुप्रीम कोर्ट से इन्हें स्टे मिल सकता है या इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं उसके सहारा लेते हुए, क्योंकि जो कानूनी दावपेच है उनमें अगर विपक्ष के लोग, विरोधी लोग उलझा सकते हैं भर्ती को, तो सरकार के पास भी ये अधिकार है कि वो भर्ती को, कानूनी दावपेच को वकीलों के माध्यम से सुलझा कर उसे आसानी से भर्ती कराई जा सके। तो ये रास्ता है सरकार के पास में कि वो सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से वकील उनके पेश होते हैं, किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री चंदमणि, क्योंकि ग्राउंड क्या है, जल्दी से संक्षेप में जानना चाहेंगे, लखनऊ के डबल बेंच ने यह फैसला दिया, किस आधार को मान करके ये फैसला दिया था कि नहीं सरकार ने जो पक्ष लिया वही सही है, रिजर्व कैटेगरी के लिए या गैर आरक्षित कैटेगरी के लिए 60-65% फीसदी ही? क्योंकि अगर उस आधार में किसी किस्म का कोई ऐसी कमजोरी लगती है शिक्षकों को, अभ्यर्थियों को, कि सुप्रीम कोर्ट में मामला टिक सकता है तो जाएंगे ही। आपकी कोई बातचीत हुई?
जी बिल्कुल, देखिए जो न्यायालय का आधार है उसका आधार सिर्फ यही है कि सरकार को पूरा अधिकार है कि शासनादेश जारी करना, और सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किस तरह से शिक्षक भर्ती करे। हालांकि शिक्षा मित्रों का कहना है कि बहुत शुक्रिया आप चंद्रमणि शुक्ला इन तमाम जानकारी के लिए।